दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। यस, तो आज आ गई हूँ मैं फिर से। वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग मी। तो शुरू करते हैं आज रेसिपी। आज मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने वाली हूँ, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट्स है और क्या नहीं। हम सीधा आज स्टार्ट करेंगे। बस जैसा मैंने कहा था कि मैं वो लेफ्ट ओवर रबड़ी मलाई जैसा आप कहे उसको यूज करने वाली हूँ। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मैं उसी को यूज करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ऑलरेडी कढ़ाई रख दी है, गरम कर दिया है इसको। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये सेवई। हाँ, फिर से मैं सेवई यूज कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी होने वाली है। यहाँ आज मैं वर्मिसली सेवई यूज कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया इसमें पूरा एक पैकेट। ये मैं आपको बता दूँ, हाँ ये 100 ग्राम्स का पैकेट है जो मैं इसमें यूज कर रही हूँ। इट विल सर्व टू पीपल, दो लोगों के लिए ये काफी है। इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना है। आंच को बढ़ा दीजिए और इसको कंटिन्यूअसली स्टीयर करते जाइए। हल्का सा सेवई गर्म हो जाते ही इसमें हम ऐड करेंगे घी। जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मैं घी हमेशा बाद में डालती हूँ, सेकेंड स्टेप होता है मेरा घी डालना। ये मैंने कर दिया इसमें ऐड एक छोटा चम्मच घी। तो अब घी के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरी तरह अच्छे से सेवई और घी मिक्स हो चुका है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है एकदम घी की। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच पाउडर्ड मिल्क और इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगी, क्योंकि हमारी रबड़ी बहुत ज्यादा मीठी नहीं रखी है मैंने, इसलिए इसमें हम मीठा अच्छे से डाल सकते हैं। और पाउडर्ड जो मिल्क मैं यूज करती हूँ उसके पीछे मेन रीजन यही है कि इसमें अपना नेचुरल स्वीटनर होता है और का काम करता है ये स्वीटनर का, और प्लस एक बहुत अच्छी सी खुशबू मिलती है मुझे इससे, जिससे ना बहुत डिश जो है काफी अच्छा बनता है। अब नेक्स्ट इज मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ हम ऐड करने वाले हैं 2, 3 और 4 बड़े चम्मच ग्रेटेड कोकोनट के। अब फिर से इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा फ्राई करना है, क्योंकि कोकोनट यहाँ पे कच्चा है तो हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें से जिसकी कच्ची स्मेल है वो चली जाए। तो इसको मैं अच्छे से मिलाती हूँ, अच्छे से मिक्स करती हूँ और कंटिन्यू इसको आपको मिक्स करना है, वरना ये ना नीचे लग जाएगा। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। सारी चीजें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा फ्लेम को कम करके मैं इसमें डाल रही हूँ मिठाई मीठ, 3 बड़े चम्मच के लगभग मैंने इसमें मिठाई में ऐड किया है। और अब अच्छे से इसको आपस में मिक्स करूंगी। जो मिठाई मेड है वो भी बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके सम पोर्शन एट अ टाइम दूध डाल रही हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर का पे रखा हुआ ये दूध है, बॉइल्ड मिल्क है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको डालूंगी और वर्मिसली को इसके साथ पकाऊंगी, क्योंकि ये वर्मिसली सेवई है, ये थोड़ी सी मोटी होती है। तो अगर आप चाहेंगे कि ये सिर्फ मिठाई मीठ से ही पक जाए, जैसा कि पिछली बार लच्छा से वही हुआ था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। डाल करके जितना जरूरी है इसको मैं सेवई को पकाऊंगी। ये देखिए सेवई हमारी अच्छे से पूरी
पक गई है और दूध हमारा बिल्कुल सूख गया है। इसमें मैंने लगभग 1/4 कप ही दूध यूज किया है, इतने में ही मेरा काम बन गया, सेवई मेरी पक गई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको सेट करना। यहां मैं करने जा रही हूं इसकी लेयरिंग। फर्स्ट लेयर गया ये सेवई का। मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल भी डिजाइन नहीं है जिसमें, उसको मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने डाला पहले एक लेयर ऑफ सेवई, उसके बाद इसमें गई हमारी मलाई, एक चम्मच मलाई, थोड़ा सा और। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़े से किशमिश, 4-5 बस, और थोड़े से काजू, ये ना इसको क्रंचीनेस देगा। अब फिर इसके ऊपर जाने वाली है एक लेयर और सेवई। उसके बाद फिर हमारी रबड़ी, हमारी मलाई, ऐसे, और फिर ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ता। से अगर कुछ गिर गया है उसको क्लीन कर दीजिए, ताकि आप जब किसी को ये सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे। ये देख सकते हैं आप कैसे कितना सुंदर सा लेयर तैयार हो गया है, नीचे आपकी सेवई, देन दिस मलाई रबड़ी, एंड देन अगेन सेवई, एंड देन योर रबड़ी। तो कितना प्रिटी लग रहा है। यहाँ बन करके तैयार है हमारी आज की रेसिपी। इस तरह से आप किसी के सामने प्रेजेंट करिएगा, एकदम सिंपल से डिश है, लेकिन ये क्या होता है ना, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं। आप इस तरह जब किसी को दोगे ना तो वो सोचेगा वाह, देख करके ही मन करेगा कि हाँ। और जब भी हम कुछ बनाते हैं ना तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। तो ये था आज के लिए। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहां आप देखेंगे एक DIY। क्या होगा वो DIY? वेट करिए और देखते रहिए। उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून्ड विद मी, शो योर लव।